कोरोना के खिलाफ नाकिस पॉलिसी पर बराक ओबामा की सदर ट्रंप पर तनकीद। साबिक अमरीकी सदर ने ट्रंप इंतजाम की पॉलिसियों को इंतशार से भरपूर और तबाहकुन करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कोरोना वायरस से निपटने की अमरीकी सदर ट्रंप की हिकमत अमली को जदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कोरोना की सूरत हाल से अमरीका से जिस तरह से निपटा गया है वो हमें एक मरतबा फिर इस बात की याद दहानी कराती है कि आलमी बहरान से निपटने के लिए मुल्क को मजबूत क्यादत की जरूरत होती है जो कि इस वक्त अमरीका को मयसर नहीं। अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में बराक ओबामा ने अपने साथियों और डेमोक्रेटिक अरकान पर जोर देते हुए कहा है कि इसी वजह से मैं रवां साल नवंबर में होने वाले इंतखाबात में जो बाइडेन को सदर मुंतखब होते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए अरकान जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। साबिक अमरीकी सदर ने कहा है कि जब हुकूमत में इस तरह की जहनीयत के लोग काम कर रहे हों जिनकी सोच ये हो कि मेरा इससे क्या लेना देना या बाकी सब भाड़ में जाएं, तो फिर इंतशार से भरपूर और तबाहकुन सूरत हाल ही जन्म लेती है। दूसरी जानब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैलग मैकेनिनी ने ओबामा की तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द अमल मिसाली था जिसकी बदौलत वो अमरीकियों की जानें बचाने में कामयाब रहे।